हे गाइस, तो आप देख सकते हैं जो मेरी किचन की चिमनी है वो कितनी स्टिकी और कितनी गंदी उड़की। इसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया उसे मैंने अप्लाई करा है। सिंपल आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा रगड़ने की बिल्कुल झंझट नहीं है। अप्लाई करने के बाद आप इसे देखिए स्पॉन्ज से क्लीन कीजिए या किसी कपड़े से आप इसे क्लीन कीजिए, ये एकदम साफ़ हो जाएगी। बिना घिसे बिना रगड़े ये एकदम क्लीन नई जैसी आपकी चिमनी बन जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं, देखो गैस का जो ढक्कन होता है ना, स्टोव का ढक्कन, उसको देखिए जिसे ऑन ऑफ़ करते हैं, उसमें मैंने ये लगाया अपना सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है पेस्ट, और एकदम हल्का सा टूथब्रश से क्लीन करा बिना घिसे बिना रगड़े। और इसे देखिए मैं इसको भी मैंने क्लीन करा, ये कितना स्टिकी होता है, कितना चिपचिपाहट इसमें होती है। एकदम स्पॉन्ज से क्लीन करा, कपड़े से क्लीन करा, और ये देखिए बिल्कुल नया जैसा बन गया। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस क्लीनर को जो आपके घर की सभी चिकनाहट वाले बर्तन चीज़ों को दूर करेगा। तो इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच खाने का सोडा। खाने का सोडा वो होता है जिसे हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, मोस्टली खाने में कई चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। आपको खाने का सोडा ही लेना है, बेकिंग सोडा आप मत लीजिएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना है डिश वॉश, यहाँ पे प्रिल का मैं डिश वॉश ले रही हूँ। तो 2 चम्मच मुझे डिश वॉश लेना है, इक्वल क्वांटिटी आपको दोनों की लेनी है। मैं यहाँ पे डिटर्जेंट नहीं ले रही हूँ, डिटर्जेंट थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर उसके लिए, चिमनी के लिए, स्टील के लिए, इसीलिए मैं डिश वॉश ले रही हूँ। तो दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। तो देखिए पेस्ट तो बन चुका है, बट इसमें भी एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, वो हमें यहाँ पे लेना है नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच इसमें नींबू का रस डालूंगी। देखिए नींबू का रस डालते ही कितना अच्छा रिएक्शन इसका हो रहा है, जो पेस्ट हमने बनाया है, और पेस्ट बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है इसको अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आज जिनका नाम मैं अपने चैनल में लेने जा रही हूँ उनका नाम है थोटा नागा लक्ष्मी। आप भी चाहते हैं आपका नाम मैं अपने चैनल में लूँ तो प्लीज़ चैनल को देखना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मैं कहीं पर भी आपका नाम ले सकती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पेस्ट को दोस्तों आप एग्जॉस्ट फैन में भी लगा सकते हैं, इससे आपका एग्जॉस्ट फैन एकदम क्लीन हो जाएगा, नए जैसे एकदम चमकदार हो जाएगा। किसी भी आप चिपचिपे बर्तन में इसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपनी चिमनी कैसे क्लीन करनी है। चिमनी क्लीन करने से पहले दोस्तों अपने जो भी आपका गैस है, स्टोव है, उसको किसी पुराने कपड़े से ढक लीजिए, क्योंकि जब हम ऊपर से क्लीन करेंगे तो आपका पूरा गैस गंदा हो जाएगा। तो आप मेरे चिमनी में देख सकते हैं कितनी चिपचिपाहट हो रही है, मैं अपने हाथों से आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे क्लीन नहीं करा था। आप देख सकते हैं अब मैं अपने फिंगर से या नेल से कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट इसमें हो चुकी है। नीचे से भी आप देख सकते हैं ऑयल वगैरह निकल रहा है। तो इसको क्लीन करने का सबसे सिंपल मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेस्ट को किसी स्पॉन्ज की सहायता से या किसी भी जिसे आप क्लीन करती हैं चीज़ें उसकी सहायता से पूरी चिमनी में अप्लाई कर लीजिए। रब नहीं करना, सिंपल से अप्लाई करना है आपको हल्का सा, जैसे आप डिश वॉश करती हैं, बर्तन धोती हैं, बस आपको वैसे ही काम करना है। ज़्यादा रगड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, हल्का सा अप्लाई कर लेना है पूरे उसमें। आप देखिए अप्लाई करने से ही इसका जो चिकनाहट है वो एकदम से ही गायब हो जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ इसकी जो चिकनाहट है वो एकदम से हट जा रही है। अगर आपकी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी है तो थोड़ा सा आप इसमें स्क्रब या इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर सकती हैं। मुझे रगड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि मेरी चिमनी आराम से क्लीन हो जा रही है। तो देखिए मैंने पूरी तरह से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, अगर आपकी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी है, साफ़ नहीं हो रही, तो मिनिमम आप इसको 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स बाद क्लीन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको इसके नज़र आएंगे। मुझे रखने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है। मैं देखिए मैं स्पॉन्ज की सहायता से आपको क्लीन करके बता रही हूँ। ये देखिए एकदम साफ़ हो चुका है, जहाँ जहाँ पे मैंने जो अपना पेस्ट बनाया था
क्लीनर का वो लगाया है, देखिए कॉटन के कपड़े से क्लीन करा, एकदम चिमनी एकदम नई जैसी चमक उठी है जहाँ जहाँ पे हमने साफ़ करा था, आप देख सकते हैं चिमनी। ऐसे आप कोई से भी अपनी चिकनाहट वाली बर्तन, चिकनाहट वाली चीज़ें हैं उसको साफ़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से देखिए क्लीन ही करा। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसे आप टूथब्रश की सहायता से भी करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। दूसरा ये देखिए स्टोव का जो बटन होता है उसमें कितनी चिकनाहट जमी हुई होती है। ये पेस्ट अप्लाई करना है टूथब्रश की सहायता से, मैं अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। देखिए सिंपल सा मैंने अप्लाई करा, हल्का सा उसको रब करा ब्रश की हेल्प से, टूथब्रश की हेल्प से, ये देखिए ये एकदम से साफ़ हो गया। ये कितना भी पुराने से पुरानी आपकी चिकनाहट वाली चीज़ें होंगे ना वो एकदम क्लीन कर लेगा इसको, बिना घिसे बिना रगड़े ये अच्छे से आपकी चिकनाहट वाली चीज़ों को क्लीन करेगा। अब मैं इसे स्पॉन्ज से क्लीन कर रही हूँ, आप अच्छे से कोने से ये पिन की सहायता से इसे डीपली क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि आपको इसको क्लीन कैसे करना है। ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका है, ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए।